Hello everyone, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to fisheries science. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी फिशरीज रिलेटेड कॉम्पिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप ICRGRF फिशरीज साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो, फिशरीज ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, फिशरीज इंस्पेक्टर, विलेज फिशरीज असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर, ये जितने भी एग्ज़ाम्स मेंशन किए गए हैं, अगर आप इनसे इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज़ में अवेलेबल है और अभी 40% ऑफ चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये कोर्स अभी लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, बाद में लोगे हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को ख़रीदना चाहते हो तो आप ये जो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप इस पर कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये बस 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसमें जितने भी टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप ठीक से पढ़ते हो जो भी टीचर्स बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम MCQ डिस्कस करेंगे। इधर हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन फिशेज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, फेकेंडिटी। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी फिश कितना कैपेसिटी है उसका कि वो प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और फेकेंडिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे जो फिश है ना वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब एक बार में फिश बहुत सारे अंडे दे सकता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फेकेंडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एनाड्रोमस फिशेज अफेक्टेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइग्रेटरी पाथवे बाई डेम्सा। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एनाड्रोमस फिश है, ठीक है, जो कि अपना पाथ को बदल देता है अगर वो देख लेता है कि सामने से डैम्सा फिश जो है वो जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिल्सा इलिसा, ठीक है। ये जो फिश है इसको हिल्सा फिश भी कहते हैं, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में मिलता है, वेस्ट बंगाल के साइड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डैश आर द सोर्सेज ऑफ प्रीशियस जर्म प्लाज्म एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द होस्ट ऑफ फिश स्पीसीज। मतलब ये क्वेश्चन कहना है कि इसमें से जो चारों में से जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा सोर्स है जो फिश है वो अपना मतलब अंडा देना प्रेफर करेगी और वहीं से हमें सोर्स ऑफ जर्मप्लाज्म भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिवर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पॉन्ड्स एंड टैंक्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैव द प्रोडक्शन पोटेंशियल लेवल ऑफ डैश केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। जो इंडिया में जो मछली पालन किया जाता है, ठीक है, उसमें जो पॉन्ड्स और टैंक्स यूज़ किया जाता है सो दैट कि मछली को रिप्रोड्यूस करवा सके, तो ये कितना इसका प्रोडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये डाटा है तो ये आपको याद रखना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5,000 to 10,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डाटा है, आप लिख के रखिए, बार बार रिवाइज करिए, तभी आपसे याद हो पाएगा और एग्जाम में आप दे पाओगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग मॉडिफाइड टाइप्स ऑफ स्केल्स बोनी प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब कि इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दे आर प्रेजेंट इन द फिश सच एज फ्लाउंडर्स। जो फ्लाउंडर्स जो है ना वो यूरोपियन फिश है, ठीक है, और जो यूरोपियन फिश है और इसमें जो स्केल्स है वो कैसे मिलते हैं, साइक्लॉइड एंड सिटिनॉइड स्केल मिलते हैं, ठीक है। जो सिटिनॉइड स्केल होता है ना वो आँख के पास प्रेजेंट होता है और जो साइक्लॉइड स्केल होता है वो प्रेजेंट रहता है ब्लाइंड साइड के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है फ्लाउंडर्स वाला फिश ये नहीं पाया जाता है, मॉडिफाइड टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स, तो ये हमारे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए आप अभी अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ उसका आप नोट डाउन करिए और उसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स नंबर, यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि टाइनी प्लैकॉइड्स टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। जो ये जो प्लैकॉइड स्केल्स होता है ना, मतलब प्लैकॉइड टाइप जो स्केल है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, कार्टिलेजनस फिश में पाया जाता है, ठीक है, स्पेशली। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें से कौन सा कार्टिलेजनस है, इसका आंसर चल जाएगा ए, शार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर, द मोस्ट सॉलिड पोर्शन ऑफ द स्कल और ब्रेन केस ऑफ फिशेज इज कॉल्ड एज। जो फिश का जो ब्रेन है, ठीक है, या फिर स्कल बोल दो,
स्कल तो हमें पता ही है कि थोड़ा सॉलिड रहता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है मटेरियल, हार्ड मटेरियल से बनाता है। यहाँ पे कह रहे हैं फिश को जो सॉलिड पोर्शन है स्कल का उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर चल जाएगा बी, न्यूरोक्रैनियम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विच वन इज द फॉल्स रिगार्डिंग फिश मसल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपका फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, फॉल्स ट्रू, ठीक है, वो ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और उनका नेगेटिव मार्क हो जाता है। तो आप क्या करिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन फॉल्स है ट्रू स्टेटमेंट वाले पूछा है तो आप अंडरलाइन कर दीजिए कि अगर ये फॉल्स पूछा है तो फॉल्स को हाईलाइट कर दीजिए, ट्रू पूछा है तो ट्रू को हाईलाइट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता चल जाएगा कि हाँ हमको ट्रू ही स्टेटमेंट देखना है या फिर फॉल्स ही स्टेटमेंट देखना है, तो इससे बहुत ज़्यादा चांस आता है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, जो व्हाइट मसल्स है ना वहाँ पे बहुत कम कैपिलरीज पर क्यूबिक मीटर रहता है, मिलीमीटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बोल रहा है कि ज़्यादा रहता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं ये जो और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप याद रखिए, जो रेड मसल्स है वहाँ पे ज़्यादा कैपिलरीज पर क्यूबिक मिलीमीटर मिलता है, रेड मसल्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, और ये देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट है व्हाइट मसल का वो सही दे रखा है कि व्हाइट मसल्स हैज लेस कैपिलरीज पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये सही है, जो ज़्यादा होता है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर, डैश फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग कैट फिश। तो इसमें से कौन सा फिश जो है वो एग्जाम्पल है वॉकिंग कैट फिश का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, क्लैरियस मैट्राचस। ये भी एकदम याद रखने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बताने वाली चीज़ नहीं है, तो आप इसको डेली रिवाइज करिए तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल फीमेल स्पीशीज। मतलब ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे फीमेल स्पीशीज का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें आंसर चल जाएगा सी, हाइब्रिडोजेनेसिस। ठीक है, हाइब्रिडोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फीमेल स्पीशीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंटिस श्रिप इज बिलोंग टू ऑर्डर। जो मैंटिस श्रिप है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटोपोडा। ठीक है, ये भी लर्न करने का है, आप रिवाइज करते जाइए, जितना रिवाइज करेगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैग फिशेज बिलोंग टू द ऑर्डर। जो हैग फिश है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, माइजिनी फॉर्म्स। ठीक है, जो हैग फिश है वो माइजिनी फॉर्म से बिलोंग करती है, याद रखिए मैंटिस शिप जो है वो ऑर्डर बिलोंग कर रहा है स्टोमेटोपोडा, जो हैग फिश है वो बिलोंग कर रहा है ऑर्डर माइजिनी फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिश लिविंग इन वार्मर वाटर जनरली हैड डैश ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट देन दोज इन कूलर वाटर। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहना चाह रहा है कि जो फिश है वो वार्मर वाटर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू कूलर वाटर, ज़्यादा या कम या फिर मिनिमम या फिर लो, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर चल जाएगा ए, हायर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की वाली बात है कि हाई क्यों जा रहा है, मान लीजिए जो फिश है वो ओशन में रहती है, ठीक है, और ओशन जो है वो वार्म वाटर है, तो क्या होगा कि वार्म वाटर में जो है ना फिश का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसके कारण से क्या होगा कि फिश को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो उसका जो बॉडीली फंक्शन है ना उसको सस्टेन करना है, उसको सस्टेन करने के लिए उसको मोर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यही इसमें आंसर चला है हायर, मतलब कि फिश लिविंग इन वार्मर वाटर जनरली हैव ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट मोर देन दोज टू द कूलर वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डैश इज गिफ्टेड विथ मेनी एक्सटेंसिव वाटर बॉडीज कॉमनली नोन एज बील्स। देखिए आपका जीके का क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बील पाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि बील क्या होता है। जो बील है ना वो लेक लाइक वेटलैंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेटलैंड क्या होता है, तो वेटलैंड की वैसा एरिया जहाँ पे जो वाटर है ना वो स्थिर रहता है। ठीक है, वाटर स्थिर रहता है, और या फिर जो सॉइल के आसपास प्रेजेंट रहता है वाटर सर्फेस, उसको बोलते हैं हम लोग बील। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ये इस चारों ऑप्शन में से आसाम में मिलता है। और मैं बताती हूँ, बील हमारे हमें वेस्ट बंगाल भी देखने को मिलेगा और मेजोरिटी ऑफ द बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन में अगर आसाम नहीं देखे, अगर वेस्ट बंगाल भी पूछ देता है तो आप वेस्ट बंगाल टिक करिएगा, अगर बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया आर डाइवर्स एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ डैश किलोमीटर ऑफ रिवर्स। ठीक है, अगर ये डाटा बेस क्वेश्चन है आप इसको याद कर लीजिए अच्छा से, ये इसका आंसर 29,000 जाएगा। ठीक है, जो 29,000 किलोमीटर ऑफ रिवर है ना वो इनलैंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया कॉम्प्रोमाइज करता है। देन 16 नंबर क्वेश्चन, फ्राई एंड फिंगर लिंक्स कलेक्शन फ्रॉम डैश रिवर सिस्टम इज मेड यूजली बाई कास्ट एंड ड्रैग नेट।
ठीक है, इसमें क्या करा है कि कौन से रिवर में हम लोग फ्राया फिंगरलिंग्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्ट एंड ड्रैग नेट। ये नेट का नाम है, कास्ट एंड ड्रैग नेट, ठीक है। इसी स्पेशली नेट को यूज करके हम उस पर्टिकुलर रिवर से फ्राया फिंगरलिंग्स को जमा कर रहे हैं, तो इसका आंसर चल जाएगा ए, गंगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन का ये पार्ट है कि फ्राई मतलब क्या होता है, फिंगरलिंग्स मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस जानी है, ठीक है। तो फ्राई जो होता है ना, फ्राई मतलब फिश का वो स्टेज जहाँ पे जो जो फिश है वो ना खुद से फीड कर पा रही है, मतलब खुद से खाना खा पा रही है, उसका जो माउथ है वो काम कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेज में, तो उसको फ्राई बोलते हैं, ठीक है। फिंगरलिंग्स क्या होता है, फिंगरलिंग्स मतलब ये उस टाइम जो फिश का स्टेज है ना वहाँ पे तो वो खा पा रही है, खुद से फीड कर पा रही है, उसके साथ ही साथ उसके स्केल्स जो है वो काम कर रहे हैं, फिन्स और स्केल्स जो है वो डेवलप हो गया और वो अपना जुवेनाइल स्टेज कंप्लीट कर गया है, ठीक है, उसको हम लोग फिंगरलिंग्स बोलते हैं। तो ये आप दो चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज आते हैं कि फ्राई क्या होता है, फिंगरलिंग्स क्या होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज ऑफ द केरला कोस्टल जोन इन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बैक वाटर्स और द ईस्टरिंग लोकली नोन एज, ठीक है, जो केरला है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जो एक जोन है, ठीक है, कोस्टल जोन है, वहाँ पे एक नंबर मतलब बैक वाटर्स और ईस्टरिंग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर डी, कायल, ठीक है। ये अब हमारा फिर से जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताता है, ये हमने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में हमने ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि उस पर्टिकुलर एरिया को केरला कोस्टल में क्या बोलते हैं, जहाँ पे बैक वाटर और ईस्टरिंग मिलता है, तो इसको बोलते हैं कायल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, डैश रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर इन तिब्बत एंड हैज अ कंबाइंड लेंथ ऑफ 4025 किलोमीटर। ये भी अगेन हमने जीके जीके का क्वेश्चन बन रहा है, मतलब कि हमने कहीं ना कहीं इसको भी हमने ज्योग्राफी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले वाले जो आपने पढ़ रखे हैं वो नहीं आ चाहिए, थोड़े बहुत आपको वहाँ की भी नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर वो ये नहीं दिखता है कि आपने आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन कहीं से भी सेट कर सकता है, तो आपको हर तरफ से प्रिपेयर रहना है। तो इसका आंसर चल जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है रिवर है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द ग्लेशियर इन तिब्बत और इसका जो कंबाइंड लेंथ है वो 4025 किलोमीटर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, अकॉर्डिंग टू ग्रूम ब्रिज एंड जेनकिंस 1998, दे आर 30 वर्ल्ड रिवर बेसिन मार्क्ड एज ग्लोबल प्रायोरिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, आउट ऑफ दैट डैश आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रूम ब्रिज एंड जेनकिंस, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसमें से क्या कह रहा है कि 30 जो वर्ल्ड रिवर है ना उसको हम लोग ने मार्क कर दिया है, 30 वर्ल्ड रिवर बेसिन को मार्क कर दिया है, क्यों किया है, सो दैट कि हम लोग एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। इनमें से कितना जो है वो इंडिया, 30 में से कितना जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9। 30 में से जो 9 वर्ल्ड रिवर बेसिन है वो इंडिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIFRI इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन फिश पास एंड हैज डिजाइन डैश टाइप फिश पासिस फॉर सम अपकमिंग डैम्स इन द रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर अभी जो आने वाले टाइम में हम लोग ना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने भी डैम्स बना रहे हैं रिवर में, ठीक है, वहाँ पे हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ पास बना रहे हैं, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ पाथ बना रहे हैं, पाथे बना रहे हैं सर की जो फिश है वो वहाँ से आ जा सके, और हम लोग वहाँ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पास को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सर की फिश जो है इधर उधर जा सके, तो इसका आंसर जाएगा ए, पूल, ठीक है। इस पर्टिकुलर पास को हम लोग पूल बोल रहे हैं, ठीक है, एक तरह से करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपकमिंग डैम्स में पूछ रहा है, ना कि जो डैम बन चुका है, जो अभी बनने वाला नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वहाँ पे किस टाइप के फिश पासेस बनाए जाएंगे, तो उसका आंसर चल जाएगा पूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, डैश आर कलेक्टेड इन गंगा रिवर सिस्टम फ्रॉम 1 or 2 feet ऑफ डीप वाटर बाय डिस्टर्बिंग द बॉटम एंड स्कूपिंग डैम विद द गमचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसे गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर हम ना थोड़ा डीप मतलब थोड़ा गहरा गहरा जगह से हम वहाँ पे ना जो उसका नीचे वाला पार्ट है रिवर का वहाँ पे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं बॉटम को, या फिर वहाँ पे खोद रहे हैं, तो हम उसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ को, इस चारों में से हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ गमचा, ठीक है। गमचा यहाँ पे क्या है, एक तरह का नेट है जिससे हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको इसका आंसर जाएगा बी, एग, ठीक है। गमचा नेट, या फिर याद रखिए कि यहाँ पे याद रखिए कि जो गमचा नेट है वो हम रिवर गंगा रिवर से एग कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 1 or 2 feet ऑफ द डीप वाटर, ना कि सरफेस लेवल पे, ये ध्यान रखना है कि सरफेस लेवल पे नहीं, हम लोग थोड़ा डीप जाके वाटर के थोड़ा अंदर घुस के कलेक्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, डैश एस्टुराइन सिस्टम ऑन द इंडियन कोस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एस्टुराइन सिस्टम इन द कंट्री, कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द गंगाटिक डेल्टा, ठीक है। इसमें से कौन सा एस्टुराइन सिस्टम है जो इंडियन कोस्ट का लार्जेस्ट एस्टुराइन सिस्टम कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा गुंगली मतला, ठीक है। ये भी अगेन जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका जीके का बन रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह में काफ़ी पढ़ रखा है हमने। तो इसका अगर गुगली मतला, जो गुगली मतला है वो कहाँ पर मिलेगा, तो हमें वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये भी ध्यान रखिए कि हमें सुंदर बंस, तो इसी एरिया में हमें सुंदरबंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द पोटेंशियल ऑफ मरीन फिश प्रोडक्शन फ्रॉम द इंडियन ईईजेड इज, ठीक है। ईईजेड क्या होता है? ईईजेड जो होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। और इंडिया जो 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पाया जाता है, तो इसका आंसर चल जाएगा 3.9 मिलियन टन। अगेन ये डाटा है, ठीक है। डाटा वाले क्वेश्चन को क्या करिए, आप ना एक जगह लिख लीजिए डाटा वाले क्वेश्चन को, और उसको डेली रिवाइज करिए, सो कि आप भूल नहीं सके और एग्जाम टाइम भी आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना प्रेशर रहता है ना, हम पूरा कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आप उसको रिपीटेड रिवाइज करते रहेगा, तभी आप एग्जाम में सही आंसर कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर, द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मरीन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। इसमें से कौन से स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट मरीन फिश प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर चल जाएगा डी, तमिलनाडु, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला नंबर पे आता है वो है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है गुजरात, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो केरला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा याद रखना है कि पहला नंबर तमिलनाडु रहा, सेकंड पे गुजरात, तीसरा में केरला। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन दे रखा है, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आप कन्फ्यूज करें कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन सा है। तो यहाँ पे हाइएस्ट मरीन फिश प्रोडक्शन क्या रहा, यहाँ पे तमिलनाडु जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है द मेजर गियर यूज टू एक्सप्लॉइट ट्यूनास फ्रॉम द इंडियन कोस्टल एयर वाटर इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग कौन सा गियर, मतलब कौन सा जो मशीन है या फिर कौन सा टाइप का जो नेट है वो हम यूज़ करते हैं कि टूना को हम लोग पकड़ते हैं फ्रॉम द इंडियन कोस्टल वाटर। तो यहाँ पे आंसर चल जाएगा ए, ड्रिफ्ट ग्रिल नेट, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रिगेट टूना, ठीक है। फ्रिगेट टूना का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए, ऑक्सस थेजर, ठीक है। ये तो पूरा रटने वाला है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो आपको ये डेली रिवाइज करना होगा, तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, चूडावला यूज टू एक्सप्लॉइट द वाइट बेट्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। चूडावला है वो क्या है जो को हम लोग यूज़ करते हैं वाइट बेट्स को पकड़ने में, कहाँ पकड़ते हैं, तो साउथ वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिंग सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट फिश इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ए, फॉल्स ट्रेवलिंग, ठीक है। ये तो एकदम डायरेक्ट से डायरेक्ट याद करने वाला है कि व्हाइट फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको फॉल्स ट्रेवलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ स्लीप माउथ इज, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा फिश है जो स्लीप माउथ का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेगनाथस बिंडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चाइनीज पॉम्फ्रेट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ, जो इंडिया में जो चाइनीज पॉम्फ्रेट का जो प्रोडक्शन है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटका, ठीक है। ये आपका जीके का क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो इसका हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीशीज हैविंग द टॉप मोस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन में से ऐसा स्पीशीज है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरूवियन एंचोवेटा। ये अगेन आपको याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ई ई जेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से टर्म एक ई ई जेड आ रहा है। तो आप मुझे इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ई ई जेड का फुल फॉर्म क्या है, इससे पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव रह रहे हैं क्लास में, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आई होप कि आपने ई ई जेड का सही फुल फॉर्म बताया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द स्पीशीज ऑफ मैकरल फाउंड रेयरली अलॉन्ग द साउथ ईस्ट कोस्ट इज, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्पीशीज है मैकरल का, ठीक है, जो कि बहुत से बहुत ज़्यादा रेयर मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं है या फिर बहुत कम मिलता है इन द साउथ ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रास्ट्रिगर फॉगनी, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो देखिए यहाँ पे जो जीनस है वो सबका सेम है, ठीक है। तो आपको मेनली स्पीशीज पे फोकस करना था, यहाँ पे जो स्पीशीज है वो फॉगनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ रिबन फिश अकरिंग इन द रिबन फिश लैंडिंग इज, ठीक है। कौन सा चारों में से कौन सा स्पीशीज है रिबन फिश का जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है रिबन फिश लैंडिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा ट्राइचिरस लेप्टुरस, ठीक है।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें कह रहा है कि लेदर जैकेट्स आर इंक्लूडेड इन इन द ग्रुप ऑफ द फिशेस, मतलब इसमें से कौन सा ग्रुप है जहाँ पे लेदर जैकेट को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैरेंगिड्स, कैरेंजिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ द शॉर्ट नेक क्लैम, ठीक है। शॉर्ट नेक क्लैम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैपिया मैलाबेरिका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिवाइज करते रहना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ डीप सी श्रिम्प इज, ठीक है। डीप सी श्रिम्प का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें आ जाएगा आंसर डी, ऑल, ठीक है। जो तीनों जो जो यहाँ पे नाम मेंशन रखे हैं वो तीनों जो एग्जाम्पल है डीप सी श्रिम्प का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द इंडियन मरीन फिशरीज सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाई, ठीक है। तो जो इंडियन मरीन फिशरीज है वो इसका क्या मेन कैरेक्टर्स है वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मल्टीगिल एंड मल्टी स्पीशीज फिश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जितना भी देखा तो आपने ये तो ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट नेट्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि मल्टी गियर तो होगा ही, उसके बाद मल्टी स्पीशीज फिशरीज, मतलब कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज भी यूज कर रहे हैं, सो दैट कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज यूज कर रहे हैं, सो दैट कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग गियर की हेल्प से उसको डिफरेंट कोस्टल एरिया पकड़ सके। तो ये हमारा सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, डैश हैव गॉट वेल डेवलप्ड स्विम ब्लैडर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्कैनिड्स। यहाँ पे हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो स्विम ब्लैडर है ना वो मेनली बोनी फिश का फीचर है, ठीक है। ये कार्टिलेजियस फिश में नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो स्विम ब्लैडर है वो क्या करता है, फिश को तैरने में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, मतलब बायंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये बोनी फिश का कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टेट हैज गॉट हाईएस्ट स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ सी वीड्स इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडिंग क्रॉप सी वीड्स मिला जाता है, ठीक है। सी वीड्स हमें गुजरात में मिलेगा, चिलिका लेक ऑफ द उड़ीसा में भी मिलेगा, ठीक है। उसका आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट है वो तमिलनाडु में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिशरीज मैनेजमेंट आर। तो इसमें कह रहा है कि जो फिशरीज मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल, MSY, MEY, मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्पॉनिंग स्टॉक, ठीक है। MSY क्या होता है, तो MSY का जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इसका मतलब क्या होता है कि लार्जेस्ट एवरेज कैश दैट कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम अ स्टॉक अंडर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब कि जो भी गिवन एनवायरमेंटल एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ठीक है, उसमें से हम कितना सबसे ज्यादा जो मछली पकड़ते हैं फ्रॉम द गिवन स्टॉक, तो उसको बोलते हैं MSY, ठीक है। फिर एक और हमारा MEY, MEY का फुल फॉर्म है मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि द लेवल ऑफ कैश दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स टू सोसाइटी, मतलब कि अगर हम जो फिश पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग फिश पकड़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं उस फिश को, हम लोगों और वो हम लोग को हेल्प कर रहा है सोसाइटी को ग्रो करने में, तो उसका हम लोग MEY बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा MEY। और मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्पॉनिंग स्टॉक, आप समझ रहे हैं कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्पाउन, ठीक है। देन 42 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हॉलिस्टिक मॉडल्स आर। हॉलिस्टिक मॉडल्स वो क्या है, मोर डाटा डिमांडिंग, लेस डाटा डिमांडिंग, ए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, लेस डाटा डिमांडिंग, ठीक है। अगर हम किसी फिश स्टॉक का जो है असेसमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटाबेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग जो हॉलिस्टिक मॉडल अप्रोच लेते हैं तो हम लोग वो कब रिकमेंड करते हैं, जब हमारे पास बहुत कम से कम लिमिटेड डाटा प्रेजेंट रहता है तभी हम हॉलिस्टिक मॉडल को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जो हॉलिस्टिक मॉडल होता है ना उसमें ना कि हमें एज की जरूरत पड़ती है, ना ही लेंथ स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ओनली कंसिडर करते हैं स्टॉक एज अ होमोजेनियस बायोमास, ठीक है। इसकी वजह से क्या, जो हॉलिस्टिक मॉडल है वो सिंपल हो जाता है और लेस डाटा डिमांडिंग हो जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हॉलिस्टिक मॉडल के बारे में याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 43 नंबर है, बेवर्टन एंड होल्ट बिल्ड पर रिक्रूट मॉडल एज्यूम्स दैट। तो यहाँ पे एजम्पशन बताना है बोवर्टन एंड होल्ट यील्ड पर रिक्रूट मॉडल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिक्रूटमेंट इज कांस्टेंट। रिक्रूटमेंट इज कांस्टेंट, जो रिक्रूटमेंट है वो जो है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब वो एक जैसा है, वो बदल नहीं रहा है, वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैच पर यूनिट एफर्ट डाटा गिव्स अ मेजर ऑफ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलेटिव स्टॉक अबंडेंस। तो ये आपको ये डिफिनेशन है रिलेटिव स्टॉक अबंडेंस का, कि कैश पर यूनिट एफर्ट डाटा को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्टॉक अबंडेंस, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉन बर्ट लैफ्री एंड ग्रोथ इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डैश एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन ऑफ टाइम को मेंशन करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ए, लेंथ एंड वेट, ठीक
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लेंथ एंड वेट जो है ये जो है ये डिटरमाइन करता है ग्रोथ को इन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसके अकॉर्डिंग, तो वॉन बर्ट लैफी एक ग्रोथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वाई रेफर्स टू। चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एम एस वाई का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया एम एस वाई का क्या होता है, उसको प्रॉपर डिफाइन किया, ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, द मेश साइज ऑफ कॉर्ड एंड डिटरमाइंस द गियर सेलेक्टिविटी इन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी ट्रॉल नेट, ठीक है। जो मेश साइज ऑफ कॉर्ड एंड डिटरमाइंस क्या कह रहा है कि द गियर सेलेक्टिविटी ट्रॉल नेट, हम लोग यहाँ पे जो मेश साइज है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वही कह रहा है। देन 48 है कि 48 है एज ऑफ मैसिव मैचुरेशन इज डिनोटेड बाई, तो एज ऑफ मैसिव मैचुरेशन जो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग डिनोट करते हैं टीएम से, ठीक है। ये तो डिनोशन डिनोट कैसे करते हैं, कौन सा टर्म किससे, तो ये तो याद रखना है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ओवर फिशिंग इज एन ओवर फिशिंग ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यंग फिश, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए ग्रोथ ओवर फिशिंग क्या होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी फिश को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग उसको एवरेज साइज में नहीं हार्वेस्ट करके उसके स्मॉलर साइज में हार्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं ग्रोथ ओवर फिशिंग। अगर हम लोग उसके एवरेज साइज में या फिर से साइज में करते हैं हार्वेस्ट, तो क्या होगा कि इसका मैक्सिमम यील्ड होगा पर रिक्रूट, लेकिन अगर उसको छोटे साइज में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रोथ ओवर फिशिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है इस लेक्चर का, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ नेचुरल मोर्टैलिटी इज डिनोटेड बाय, तो इंस्टेंटेनियस रेट है नेचुरल मोर्टैलिटी का, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बाई एम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ नेचुरल मोर्टैलिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने क्वेश्चंस बोला था वो भी आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा और सही उत्तर दिया होगा, ठीक है। वैसे मैं फिर से बता देती हूँ एम एस वाई का फुल फॉर्म है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, और जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर सी जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके लाइक बटन ज़रूर हिट करें, ठीक है। अगर आप इस कोर्स से और मतलब इस कोर्स के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं और अपडेट्स, या फिर और अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, तो आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमारे सारे लिंक्स दिए गए हैं, इवन कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, या फिर अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना था आज के लेक्चर के लिए, ठीक है, और आई होप कि आपको सारे सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।